शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
आदेश वर्मा जी आप हैं क्या? है हमें लाला ने भेजा है, ये आपका घर लाला को चाहिए, वो यहाँ होटल बनाना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। लेकिन मैं ये घर बेचना नहीं चाहता। आपके आसपास के झोपड़पट्टी वाले भी यही कहते थे, और इसीलिए आप लोगों ने उनके घर चला दिए थे और वो डर के भाग गए। कमाल है, यही तो मैं आपसे कहने वाला था। हाँ, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। वर्मा जी, लाला को ना सुनने की आदत नहीं है भाई, बहुत बुरी आदत है। सोच लीजिए, आपका नुकसान हो सकता है। नफा नुकसान तो बिजनेसमैन समझते हैं, मैं तो एक एडिटर हूँ, मेरे लिए क्या नफा और क्या नुकसान। वर्मा जी, लाला का गुस्सा बहुत बुरा है। और मुझे गुस्सा आता ही नहीं। पापा, ये सब क्या कर रखा है बेटी? आपको याद भी नहीं है पापा, आज आपका जन्मदिन है। बूढ़ा हो गया ना इसलिए। पापा, you're still like a child for me. Oh, really? चलो। शहर का एक इंपॉर्टेंट आदमी माना जाता हूं, मैं एक एडिटर हूं, लेकिन आए दिन मुझे धमकियां दी जाती, मेरे घर पर गोलियां बरसाई जाती। आज तक मेरी दलीलों और अपीलों की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो एक मामूली साधारण आदमी पर क्या गुजरती होगी? सच वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, बल्कि सच वो है जो हम भोगते हैं, जो हम पर बीतता। जब भी हम किसी गुंडे के बारे में लिखते हैं या बताते हैं, तो हम उसे ऐसे बताते हैं जैसे वो कोई हीरो। हम उसे ग्लोरीफाई करते हैं, बड़े बड़े खिताब देते हैं, लेकिन गुंडा राज का पता हमें तब चलता है जब हमारी अपनी माँ, बहन, भाई या हम खुद किसी गुंडे के शिकार होते हैं। हम गुंडा करती के बहुत खिलाफ हैं। हम देश के कानून को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हमारी सिर्फ एक कमजोरी है, हम किसी बात के लिए ना नहीं सुन सकते। ना सुनते ही हमारा दिमाग भड़क जाता है, सारे बदन में आग लग जाती है। हमें सिर्फ उसका घर चाहिए, उसके लिए हम पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन उस बेवकूफ पत्रकार को हमारी बात काहे को समझ में नहीं आती। कभी अखबार में लाला के खिलाफ लिखता है, कभी पुलिस के पास जाता है, फिर पुलिस वाले उसे लाला से बचा लेंगे? कह तो देना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल लाला से ज्यादा पुलिस के मुंह पर काले थोपने के लिए छाप दो। हेलो दादाजी, मैं जय बोल रहा हूँ। हाँ जय, इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ। कैसा रहा इंटरव्यू? कंग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। बहुत जल्द मैं बड़ा पुलिस अफसर बन जाऊंगा। मिल कब रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 हेलो हेलो सीमा जी पापा, जय का फोन आया? नहीं तो
उसका आईपीएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, उसे मुबारक। लेकिन वो है कहाँ पापा? माँ, मामा, अरे माँ, कहाँ चला गया? ओ मामा, अरे तेरा इंटरव्यू कैसे रहा? कहाँ चला गया? माँ मामा, तेरा बेटा बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनने वाला है। और हेलो जय सीमा, तुम्हें कुछ देना है? बताओ। टेलीफोन भी नहीं दे सकती? टेलीफोन भी नहीं दे सकती? नहीं। तो भिजवा दो। भेजने वाली चीज नहीं है, तुम्हारा सामने होना बहुत जरूरी है। सामना होना जरूरी है तो ठीक है, आजा। कल तुमसे आकर कहां मिलूं? चर्च में, मंदिर में, गार्डन में, या होटल में? वहाँ कोई ना कोई तो होगा, वहाँ कोई ना कोई तो होगा, मैं तुमसे मिलूंगी अकेले में। कल तुमसे आकर कहाँ मिलूं? हो हो लाइब्रेरी में, बुक स्टॉल पे, वहाँ कोई ना कोई तो होगा, वहाँ कोई ना कोई तो होगा, मैं तुमसे मिलूंगी अकेले में। कल तुमसे आकर कहाँ मिलूं? ओ हो का तो सिर्फ नाम है, सारी बस्ती जानती है कि आग लालन लगाई है, वो बस्ती खाली कराना चाहता। लेकिन पुलिस को आचार्य भी चाहिए और लाला जैसा गुंडा भी चाहिए। लेकिन आपके पास इसका क्या सबूत है? सबूत है आचार्य का भागना। लेकिन सबूत जरूरी है क्या? अगर कोई सबूत खत्म कर दे तो क्या बात झूठी हो जाती है? हम अखबार वालों का काम है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, ना कि सबूत इकट्ठे करना। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो लाला के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, इन्वेस्टिगेशन करे और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको अदालत में खड़ा करे, ताकि ये तो लगे कि देश में कोई कायदा कानून है, कि हम जंगल में नहीं रह रहे। अरे यहाँ आदमी मरे हैं, कोई भेड़ बकरियां तो नहीं मरी? हेलो हेलो, आदेश वर्मा लाला के खिलाफ कुछ छापने वाला है। जी हाँ, आज
जी हाँ, हाँ जी। हेलो वर्मा, सुना है लाला के खिलाफ अखबार में कुछ छापने वाले हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा किया तो वो तुम्हारी जिंदगी। हेलो हेलो, डैडी अभी तक घर नहीं लौटे। मैं एक घंटे से प्रेस से फोन कर रही हूँ लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो आ जाएंगे। जाने क्यों, मुझे डर लग रहा है जय। और इसमें डरने की क्या बात है? तुम समझते क्यों नहीं जय? अच्छा अच्छा बाबा, मैं जाता हूँ, मैं ले आऊंगा। ओके आदेश जी। नमस्कार। नमस्ते जय। इस वक्त यहाँ सीमा डर रही थी, कहा कि बच्ची है, जीत की उम्मीद में आदमी जिंदगी भर लड़ाई लड़ सकता है लेकिन बिना उम्मीद जिंदगी भर लड़ते रहना, इसके लिए हार जीत से ऊपर उठकर लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई झूठ सच की नहीं है, यह लड़ाई अमीर गरीब की भी नहीं है, यह लड़ाई लालच की है। इसलिए हमें लड़ते रहना है और ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है। अब ये चलेगी नहीं बल्कि हमें चलाएगी। अरे छोड़ो, घर पास में ही है, पैदल निकल चलते हैं। गाड़ी चोरी हो गई? 3 बार तो चोरी हो चुकी है, चोर लोग भी दुखी होकर इसे वापस छोड़ जाते हैं। मैंने आज तक अहिंसा का पालन किया है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अहिंसा के नाम पर मैं कहीं अपनी कमजोरी तो नहीं छुपा रहा हूं। गांधी जी कहते थे, अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा आगे कर दो, लेकिन मारने वाले के हाथ में तलवार हो तब क्या करोगे? सामने करने के लिए गाल तो दो है लेकिन गर्दन तो एक है, झुका दोगे तो वो तो काट देगा। Hey! Hey, you bastard, wait! हिंसा जीत ही गई बेटा, जीत। माँ मेरा बेटा है, चल बाहर निकल। माँ तू यहाँ क्यों आई? माँ तुझे मालूम है तेरे बेटे ने क्या किया है? क्या किया है मेरे बेटे ने? कोई चोरी की है, डाका डाला है? तेरे बेटे ने खून किया है। माँ तू घर जाना। माँ नहीं, ये झूठ है। अरे चल बाहर निकल। माँ तू घर जाना। माँ नहीं जाती, मैं अपने बेटे को साथ ही लेकर जाऊंगी। चल भाई बाहर निकल, चल चल। क्यों लग रही इनकी मुँह? माँ
छोड़ दो मुझे, अपने बेटे को साथ ही लेकर जाऊंगी मैं। ए, चल सब हो जाए यहाँ से। अरे क्यों छोड़ रहे हो? क्या मौत है, मेरी माँ है। मेरा बेटा घर नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे बेटे को। क्या मौत है मेरी माँ को? चल माँ, माँ तू घर जा, माँ तू जाना, माँ। आदेश वर्मा पर गुंडों द्वारा कातलाना हमला नहीं हुआ। उसका एक्सीडेंट हुआ है। ऊपर से बड़े साहब के ऑर्डर्स आ गए, तुम जा सकते हो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि मुझे यहां क्यों बंद किया गया है? मेरी मां को धक्के मारे गए, मुझे जलील किया गया, क्यों? हमें बाद में रिपोर्ट मिली कि वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? हाँ, हादसे की जगह तुम्हें पाया गया, तुम्हारे हाथों में खून लगा था और लाश तुम्हारे सामने पड़ी थी। मेरी जगह और कोई भी होता तो तुम्हें खूनी समझता। वो तो पेपर में छपी हुई फोटो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत बन गई। वो ट्रक भी हमें मिला है जिससे ये एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है, कत्ल। क्या तुम्हें हमसे ज्यादा मालूम है? वर्मा जी का कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने। मिस्टर, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो कत्ल नहीं एक्सीडेंट था। फहमी? एक्सीडेंट? तुम भी उनके साथ मिले हो? मैं पागल हूं क्या? कत्ल मेरी आंखों के सामने। थानेदार पे हाथ उठाता है, केलकर पे। ए, पकड़ सारे को, पुलिस पे हाथ उठाता है। आ जाओ, टेढ़ा करो उसको। छोड़ देते, ले जाओ इसे। तुम जानते हो पुलिस पर हमला करना कितना बड़ा जुर्म है? इसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मैं समझता हूं तुम्हारे लिए इतनी ही सजा काफी है। बेटे, तुम अगर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस अफसरों पर हमला करोगे तो क्या वो हाथ छोड़कर बैठे रहेंगे? तुम्हारी तकदीर अच्छी है, पुलिस वालों को बहुत जल्दी पता चल गया कि मिस्टर वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई। नहीं, इट वाज अ मर्डर। उनका खून मेरी आंखों के सामने हुआ, आदेश जी का सर मेरी आंखों के सामने फोड़ दिया गया, उनका चेहरा फीका पड़ता मैंने देखा, उनकी आंखों से रोशनी जाते मैंने देखी। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ मर्डर। इन्हीं हाथों में मैंने उन्हें संभाला, इन्हीं हाथों में उनकी जान गई। नहीं बेटे, तुम भावुक हो रहे हो, यह हादसा था। नहीं सर, मैं भावुक नहीं हो रहा हूं, मुझे हमारे पुलिस कमिश्नर, हमारे रक्षक पर बहुत भरोसा था। ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी कातिलों के साथ मिल जाएंगे, उनका साथ देंगे। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। शट अप। आई वोंट। क्या करोगे? मारोगे? मारो, कितना मारोगे तुम? मगर मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि हमारी पुलिस ही कातिल है, हमारी पुलिस ही कातिल है। वरना कल सुबह किसी गंदे नाले में पड़े मिलोगे। पुलिस वाले को जादूगर नहीं है, हम भी सबूत और सुरागों के साथ ही केस को हल करते हैं, समझे? मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ था, उनका कत्ल भरे बाजार में हुआ। मेरी मां कोर्ट कचहरे में चक्कर मार मार कर बूढ़ी हो गई, मगर इंसाफ नहीं मिला।
लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटी, भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जाना था, चली गए हमको छोड़कर। लेकिन क्यों माँ जी, भगवान ने इतनी जल्दी पापा को क्यों बुला लिया? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? किसने मेरे पापा की जान ले ली? क्यों क्यों माँ जी? भी नहीं था, कमार भी नहीं था, फिर भी पता नहीं लाला की बात काहे को नहीं मानी उसने। मर गया ससुर का नाती, वो भी एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट सड़क के बीचों बीच एक्सीडेंट। पर लाला बुरा आदमी नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। मुन्ना, हमारी तरफ से कुछ पैसा और फूल दे आ उस पत्रकार के घर में। आदेश वर्मा जी की बेटी आप ही हैं? जी। ये फूल और लेटर लाला जी ने भेजे हैं। एक अच्छे और शरीफ इंसान इस दुनिया से चला गया। आदेश वर्मा मेरे अच्छे जानकारों में से थे। उनका दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनकी मौत के बाद उनके घर की देखभाल मैं करूं। तुम्हें नहीं मालूम, मरने से कुछ दिन पहले आदेश ये बंगला हमें बेच गए थे। अच्छा होगा अपने लिए एक फ्लैट बुक करवा लो, एक महीने का टाइम तुम्हारे लिए काफी होगा। Get out! आजा 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 मेरे डरपोक गुंडे, आजा आजा। लड़की की तरह शर्मा रहा है, साला पूरा ड्रम भर के दारू पी लेगा। शकल देखिए, शकल पैसे जैसी तेरी शकल हो गई है, जैसे दो चार को लुड़का के आया हो। और तेरी ये गर्दन, गर्दन सुअर जैसी है, साला काटने को चार दिन लगे। ये देख तेरी डूब डूब डूब, साला लड़की से मार खाता तेरी जात का सुअर। है बस, कहाँ है वो लड़की? ला उठा के ला साली को।
डर तो नहीं लगेगा ना? No. Sure. अगर जरूरत पड़ी तो फोन कर लेना। Bye. Bye. पैसे देकर आपके पास भेजा, आपने बेइज्जत करके इसको वापस भेज दिया। हमारे छोकरे लोग यहां पर सामान रखने के लिए आए हैं, तो आपने इनकी पिटाई करवा के पुलिस में पकड़वा दिया। और लाला सब कुछ सहता रहा, लाला ने कुछ नहीं किया। देखिए, हमको मार पीट बिल्कुल पसंद नहीं, हम कानून को कभी हाथ में नहीं लेते, इसलिए पुलिस साथ लेकर आए। देखो बबुआ, तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है,
हम समझ सकते हैं, पर कानून तो कानून है ना। देखो, हमने ये घर खरीद लिया है, अब ये हमारा घर है। लेकिन ये घर अखबार वाली कंपनी का था, अब हमने इसे खरीद लिया है। लेकिन हम इतने सालों से यहाँ रहते हैं। ठीक है, फिर कोर्ट में जाके सी ऑर्डर ले आइए। अगर आज की रात रुकना चाहो तो एक आध कमरा खुलवा सकते हैं हम। लाला बुरा आदमी नहीं है, बस लाला की दुश्मनी बहुत बुरी है। नाजायज कब्जा है और रसीदें भी उन्हीं लोगों के पास है। मगर वो सारी रसीदें जाली हैं, गुंडे हैं वो लोग। ये तो तुम कह रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? आप ये केस लेना चाह रहे हैं कि नहीं? भाई सिविल केस है, रिस्क इन्वॉल्व है, साल दो साल भी लग सकते हैं। साल दो साल? अरे भाई प्रॉपर्टी का केस है, गुंडों के साथ है, 5-6 साल भी लग सकते हैं। 5-6 साल? 5-6 साल की क्या बात आप कर रहे हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। अरे भाई नाराज हो गए क्या? तुम्हारे लिए कुछ रियायत कर देंगे भाई। अरे सुनिए तो। अरे क्या परेशानी माय डियर? घर का स्टे ऑर्डर चाहिए। ऐसे ही केस तो मैं लेता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन? हाँ, लेकिन मेरी फीस 500 रुपए होगी, क्योंकि छोटे मोटे केस में लेता नहीं। निकालिए 500 रुपए, अभी करवा लाता हूँ जज साहब से, अभी बात करके सब फैसला करवा देता हूँ। निकालो 500 रुपए। हाँ धन्यवाद। अच्छा जी आप यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। तो अच्छा बेगू बनाया हम लोगों ने। लेकिन अपना तो काम हो गया। भाई साहब कोई काम हो तो बताइए ना, सस्ते में कर दो। हो गया बोला ना, फिर भी हो गया। एनी प्रॉब्लम सर? ना हो गया, सस्ते में कर दो। नो थैंक यू। अरे भाई साहब ये एप्लीकेशन आपकी है ना? हाँ मेरी। स्टे ऑर्डर मिल गया? हाँ मिल जाएगा। कब? 1 महीने में आइए। 1 महीना? हाँ। वो अकेले कहाँ है? वो तो गया। कहाँ? घर। यहाँ कुछ नहीं हो सकता माँ, हमारा सारा का सारा सिस्टम करप्ट है। इंसाफ मिलने की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मेरे डैडी के एक दोस्त हैं, वो आजकल डिप्टी मिनिस्टर हैं। वो शायद हमारी कुछ मदद कर सके। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे वर्मा जी, ट्रक के हादसे ने हमारे बीच से एक नीडर जर्नलिस्ट छीन लिया। सुभाष बता रहा था तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर रहा है। जी उसका नाम है लाला रंजन। लाला रंजन? लाला रंजन को तुम्हारे घर की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं वर्मा जी के साथ कोई कहा सुनी तो नहीं हो गई थी उसकी? तुमने पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई है ना? जी हम लोग पुलिस के पास गए, कोर्ट में भी गए, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि देश की हालत बहुत खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं हूं ना, है? मैं हूं। कुछ चाय वाय ठंडा? थैंक यू। कौन है ये? अरे बेचारी भोली जनता, कह रहे लाला रंजन ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूं, इनके घर दिलाता फिरूं? हैं चले आते हैं मुंह उठा के। ये भी कुछ जीना है? हाँ क्या मैं उन लाखों करोड़ों जाहिलों की तरह जीऊं मां? अपना सर झुकाकर अपने अपने घुटने टेक दूं मां उन अत्याचारों के सामने, इसे उठाने आया मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर सका, इसे घर से बेघर कर दिया मां, और मैं खा रहा बुजदिलों की तरह। क्या मां तूने एक बुजदिल को पैदा किया मां? क्या तेरा बेटा बुजदिल है मां? क्या मैं कुत्ता हूं मां? क्या मैं उनका पालतू कुत्ता हूं मां? एक को नहीं छोड़ूंगा मां, देख
क्या करेगा तू? कितने गुंडों को मारेगा? 10, 20, 50? उसके बाद तू भी एक गुंडा बन जाएगा। बहुत खुश होगी तेरी माँ कि उसका बेटा भी एक गुंडा बन गया। तेरी बीवी बच्चे तुझ पर नाज करेंगे। जब तेरे पिताजी की मौत हुई थी ना, तो मैं बहुत रोई थी, अब भी रोती हूँ, लेकिन आज तक फख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक शहीद की विधवा हूँ और मुझे एक शहीद की विधवा होना मंजूर है, लेकिन एक गुंडे की माँ होना मुझे मंजूर नहीं। तो फिर क्या चाहती है माँ? क्या चाहती है तू कि मैं अपनी गर्दन झुका कर खड़ा रहूं, अपनी बीवी अपनी माँ की हिफाजत ना कर सकूं? क्या गुंडागर्दी के अलावा और कोई रास्ता नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है माँ, नहीं है। तू तो सब देख चुकी है। सुना था भगवान सबकी सुनता है मां, आज यकीन हो गया मैं आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गया हूं मां। तेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया। पुलिस अफसर? बड़ा पुलिस अफसर। अपने पिताजी जितना? नहीं मां, इतना बड़ा तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरी वर्दी में लगे सितारों में पिताजी का चेहरा जरूर नजर आएगा। असा मजाई देता नहीं सुनाई। फिर ना सानू दोष लगाई जे थले तू आई। पर राहट सोनी साड़ी रेल गड्डी लाई फिर ना जानो दोष लगाई के गड्डी चढ़ाई। दिल के इस स्टेशन पे रुक जा, छावे रंग सुनहरे। दिल के इस स्टेशन पे रुक जा, छावे रंग सुनहरे। क्या होगा अंजाम जो गड्डी से गड्डी टकराई। हट सोनिया साड़ी रेल गड्डी आई। Thank you.
यार मरा तुझे कहे सावली मैं कहूँ गोली चिट्टी तेरे मुंह में घी शक्कर से उस दिन वो मिट्टी खुश कर देता है तू मेरो पल्ला तेरी कलाई हट सोनिए साडी रेल गड्डी आई दुश्मन 100 गज सामने है, नजरें दुश्मन पे जमा के रखो, दुश्मन कभी भी आंखों से ओझल न होने पाए। गंत उठाओ, निशाना बांधो, दुश्मन 100 गज सामने है, दुश्मन कभी भी आंखों से ओझल न होने पाए। गंत डाउन, अब की बार निशाना कैसे सही लगा? सर, जब दुश्मन पर गोली चलाते हैं तो गोली बंदूक से नहीं, दिल से निकलती है। बचाओ, बचाओ! अरे नथु, तू रोज इधर से गुजरता है, रोज तुझे मैं देखती हूँ, रोज तू किसी और किसी की चिट्ठी लेके आता है, सिर्फ मेरे बेटे की चिट्ठी क्यों नहीं लेके आता? माँ जी, मैं क्या करूँ, वो आपको लिखता ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिखता होगा, जरूर लिखता होगा, तू ही चिट्ठी नहीं लेके आता। आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं? अगर कल चिट्ठी नहीं लेके आया ना, तो खबरदार जो इस गली से गुजर दो। मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, तुम्हारी खैरियत श्री भगवान जी से नेक चाहता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना आशीर्वाद बन गई है माँ, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। हे भगवान, मेरे जय के अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना भगवान, उसकी रक्षा करना। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आज के बाद आपकी मास्टरनी आपको डांस नहीं सिखाएगी। एक अच्छी खबर भी है, यही कि मैं आपके डांस मास्टरनी से शादी कर रहा हूँ। ओम गणानंद्वा गणपति गुम हवा महे, प्रियानंद्वा प्रियपति गुम हवा महे, निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, वसो मम आह मजा निगर्भदमा त्वमजा।
किलो चरस पकड़ी गई और गुंडे गाड़ी छोड़। ए? कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कौन है? सब न्यू एसपी। क्या नाम है आपका? जी केलकर। कितने सालों से इस पुलिस स्टेशन में आप? तीन साल से। कितने साल से? करीब 3.5 साल हो गए सर। कितने साल बताएं? 3 साल 6 महीने और आज 10वां दिन है सर। पिछले 3 साल 6 महीने और 10 दिन से आपकी पोस्टिंग हुई नहीं? Quite a good police station. अच्छा police station है। Sir, I believe in honesty and hard work, sir. क्या नाम बताया आपने? केलकर नाम है मेरा, केलकर। टेरर बोलते हैं मुझे तो सारे, टेरर। चल, चल। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, समझा? मैं इस इलाके का मालिक हूँ, मालिक। हवा भी अंदर आती है तो पूछ के आती है। सर मैं अंदर आऊं और तू कल का छोकरा मेरे सामने रोब जमाता है, मेरे सामने? मैं यहां का नया एसीपी हूं। ये पुलिस स्टेशन और ऐसे कई पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में। I'm the new administrator. Administrator, मतलब डंडा। Yes, sir. आज से 2 साल पहले आदेश वर्मा का कत्ल हुआ था। आदेश वर्मा? कौन आदेश वर्मा सर? आदेश वर्मा एडिटर। सर वो तो एक एक्सीडेंट था सर। मुझे उसी एक्सीडेंट के सारे रिपोर्ट चाहिए। सर मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको। मुझे आज शाम तक चाहिए। सर वो शाम तक। सर कैसा है केलकर? अरे वो माल गोडाउन में पहुंच गया जी। अरे मुन्ना जी लाला, गणपत को पकड़ के यहाँ लाओ। और देखो मारपीट मत करना, सही सलामत पूरा का पूरा साबुत चाहिए हमें यहाँ। हाँ बोलो। हाँ, देखो तुम रुक जाओ, पांडे को भेजो गणपत के लिए। अरे हम क्या करें? 700 रुपये नाती। हाँ बोलो केलकर। साहब वो नया एसीपी फाइल मांग रहे हैं। फाइल? हाँ सर। कैसी फाइल? आदेश वर्मा की फाइल। आदेश वर्मा एडिटर जिसे रास्ते पे वो मार दे। ओ बबुआ बबुआ। हाई जी आओ आओ आओ। देखो देश पांडे का फोन आवा रहा, तुम उससे निपट लेना। अरे ये बचुआ कहाँ मांगत है? अरे केलकर बोलो कहाँ है वो? क्या है? सर वो जयसाहब वर्मा की फाइल मांग रहे हैं। हाँ फाइल मांग रहा है तो दे डालो, उसमें क्या है। हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट पेपर्स हो तो निकाल लेना। ओके आदेश वर्मा जी का कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था सर। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी नहीं सर।
फाइल के सारे सबूत गायब हो गए। तो फिर सर आपको याद होगा इस कत्ल के सिलसिले में मुझे गिरफ्तार कर लिया था और आप मुझे हवालात में मिलने आए थे। मुझे कुछ याद नहीं सर। वो आपको याद नहीं? मैंने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं। सर ये कत्ल लाला ने करवाया था। लाला की आदेश जी से पुरानी दुश्मनी थी, वो उनका घर छीनना चाहता था और... मैं पहले ही कह चुका हूं मैं कुछ नहीं जानता, समझे? सर लाला को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। उसके लिए मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए और उसके लिए सबूत चाहिए। सबूत भी मिल जाएगा सर। बस पापा पर कुछ ज्यादा ही प्रार्थना होती है। ये जो समय होता है ना हमारी प्रार्थना के लिए होता है। अगर प्रार्थना करने से सारे पाप धुल जाते हैं फिर हम वर्दी वालों की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे, यहाँ कैसे आए बबुआ? लाला मुझे तेरे वो आदमी चाहिए जिन्होंने आदेश वर्मा का कत्ल किया था। आदेश वर्मा के कातिल यहाँ? फिर भी ये उल्लू के पट्टे खड़े हैं, इनमें से जिनको पकड़ कर ले जाना हो ले जाओ। देखो बाबुआ, लाला कभी बुरा काम नहीं करता। करवाता है। देखो तुम यहां बिना बुलाए आए हमारे दो आदमियों को पीटा, पूजा के कमरे पर लात मारकर दरवाजा खोला, हमने कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करो यहां से चले जाओ। आज तो चला जाऊंगा लेकिन एक दिन मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और इतना मारूंगा कि तू अपने जख्म चाटते चाटते मर जाएगा। अरे ससुर के नातियों, बेवकूफों, उल्लू के पट्टों, ये क्या कर रहे हो? जानते नहीं पुलिस अफसर है, बहुत बड़ा अफसर है, सरकार ने वर्दी भी दे रखी है, वर्दी पर सितारे सितारे लगे हुए, सितारे। ये वर्दी बहुत गलत फहमी पैदा कर देती है, बड़ी फरे भी है। बबुआ सरकार ये वर्दी दे तो देती है लेकिन ये वर्दी बुलेट प्रूफ नहीं, गोली इसमें से निकल जाती है। ये जो धोती है ना ये भी बुलेट प्रूफ नहीं है। हाँ मुझे लगता है तेरी नौकरी मेरी सौतन है। यू आर सच अ बोर, यू आर अ बिग बोर। क्या खाओगे आज? कुछ भी।
जो तुम कहो। एनीथिंग। यू आर अ बिग बॉय। हेलो। अरे बाबा कुछ तो बोलो। हेलो हेलो कुछ तो बोलो। हेलो हेलो कुछ तो बोलो। खन 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 के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। हरे खन 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 के रे कंगना, हाल बताओ किसे अपना। जानी ना मानी ना अनाड़ी सजना। तेरा ही मैं रहूं। हेलो हेलो कुछ तो बोलो। हेलो हेलो कुछ तो बोलो। Okay।
अगर आज शाम तक माल नहीं पहुंचा तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तुम्हारा बंदी था, उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। लाला को खून खराबा नहीं चाहिए, लाला को खून से नफरत है। लाला बहुत सफाई पसंद है। कहां से आ रहे हो? बंबई से। कहां जा रहे हो? पुणे। ये गाड़ी बंद करो। कुछ भी पूछे ना तो सच मत बोलना, ज्यादा कर तो मार देना। तुम नीचे आओ और तुम भी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये मेरा बहनोई है लाला, इसे माफ कर दो, मैं इसे समझा दूंगा। माफ कर दो लाला। किसका प्लान था हमारा माल उड़ाने का? ससुर, तुमने प्लान बनाया था लाला से गद्दारी करने का। लाला का माल लेकर भागने चले थे। तुम्हें लाला से डर नहीं लगता? तुम क्या सोचे, लाला का ही माल लेकर भाग जाओगे? अगर लाला ने ऐसे सबको भागने दिया तो लाला कंगाल हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। लाला मुझे माफ कर दे लाला। अगर तुमको माफ कर दिया तो ये सब उल्लू के पट्टे हमारे सर पर बैठ जाएंगे। फिर कभी ऐसा नहीं होगा लाला। ऐसा तो तभी होगा ना जब हम तुम्हें इसके लायक छोड़ेंगे। लाला, इन्हीं दो टांगों के बल पर तुम माल लेकर भागे थे ना, पकड़ो इसकी टांगे। लाला नहीं। मर गया? देख कर ही मर गया। अरे लाला ने तो हाथ भी नहीं लगाया उल्लू के पट्टे, मर गया। देखते ही मर गया साला। देखते ही मर गया। देखते ही मर गया। उसने मेरे बहनोई को मार दिया साहब। उसने मेरे बहनोई को मार दिया साहब। किसने मारा? लाला रंजन ने साहब। लाला रंजन? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम बख्शी है, मैं लाला रंजन का ड्राइवर हूँ। और मेरा बहनोई उसके यहाँ काम करता था साहब, उसे कोई थोड़ा सा नुकसान हो गया तो मैंने अपनी आंखों से दो आदमियों को मरते देखा साहब। उसने मारा मेरी आंखों के सामने। कोर्ट में बोलोगे साहब? हाँ साहब, मैं गवाही दूंगा साहब, मैं
पिता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? अंजुम बख्शी। आप लाला रंजन के ड्राइवर हैं? जी नहीं। आप लाला रंजन को जानते तो होंगे? जी नहीं। तो फिर आप यहां आए किस लिए? अपन को नहीं मालूम साहब, अपन को तो पुलिस उठा के इधर लेके आई, इधर आके बोले के बयान देने का है साहब, अपन को कुछ नहीं पता। पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न किया जाता है कि आगे को किसी को कोर्ट में पेश करने से पहले उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करें। बहरहाल लाला के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए लाला को बाइज्जत बरी किया जाता है। बट जय, जय, कानून कुर्सी पर नहीं बैठता, तलवे चाटता है। कानून गरीब का नहीं, अमीर का है। कानून सच का नहीं, डंडे वाले का है। कानून शरीफ आदमी बनाते हैं, शरीफ आदमियों के लिए बनाते हैं, गुंडे इसका इस्तेमाल करते हैं। लाला ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारी चोरू को पैसा नहीं दिया, तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारी रखेल को घर नहीं दिया, तो फिर ये काहे?
काहे किया? या तो कहो लाला गंदा आदमी है। नहीं, लाला बहुत गंदा आदमी है। नहीं लाला जी, नहीं, लाला बहुत बुरा आदमी है। नहीं नहीं, लाला कमीना आदमी है। नहीं नहीं, कहो हाँ कहो। नहीं नहीं, हाँ कहो उसके नाती। लाला गंदा आदमी है। हाँ, लाला कमीना आदमी है। हाँ, लाला गुंडा आदमी है। हाँ, के नाते तो हम बुरे आदमी हैं। अरे क्या हमने बुरा किया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर काहे गए गवाही देने? काहे को गए? तुम हमारे वफादार लोगों में से एक थे। हाँ। तुम हमारे चेले हो, चेले। हाँ। और हम तुम्हारे गुरु। हाँ, हाँ। तुम हमारा एक काम करना। हाँ। लाला मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लाला बहुत सफाई पसंद आदमी है। जब तुम नरक में जाओ हमारे लिए एक कुर्सी साफ करके रखना।
दादाजी को मारा था। बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं, मर गया क्या? मरा नहीं, गूंगा है, इसकी जुबान कटी हुई है। बोलेगा कैसे नहीं? मास्टर, लिख तो सकता है ना? लिख तो सकता है ना तू? आदेश ही को मारा था तूने? दारा के लिए काम करता है तू? दारा के लिए काम करता है? ले जा सारे को, ले जा इससे। कोई आगे पीछे? नो सर। लेट उसने खुद ने सर, उसने चादर मांगी थी तो मैंने कैसे मारा? हाँ सर, उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसे बहुत कौन सी भाषा में? वो मराठी, मराठी में कहा था। तुम्हारा चादर आवा? हाँ जी। अच्छा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बहुत अच्छे ऑफिसर, लेकिन केलकर झूठ बोलने से पहले सही तरह से झूठ बोलना सीख लो। वो गूंगा है। मुझे एतराज नहीं कि तुम अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझते, मुझे यह एतराज है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। उसका बयान ले चुका मैं। क्या सबूत है कि उसी आदमी का बयान है? सर, उस आदमी ने खुद कन्फेस किया है कि लाला के कहने पर उसने आदि जी का कत्ल किया है। क्या वो आदमी कोर्ट में जाकर बोलेगा कि उसको लाला ने भेजा था? सर, वो तो मर चुका है, इज डेड। तुमने पहले भी एक बार लाला को पकड़ा था और वो आदमी कोर्ट में जाकर साफ मुकर गया कि वो लाला को जानता तक नहीं। सर, आप तो लाला को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो? देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें लाला को पकड़ना है, तुम पकड़ लो, लेकिन सबूत लेके पकड़ो। लाला को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए। सर, मुझे मालूम नहीं है। यस सर, मैं अभी पता करता हूं सर। चाहे लाला को उधर लाया क्या? यहां तो कोई नहीं आया सर। कौन सी जगह ले आए हो हम? लाला, ये वो जगह है जहां से लोग गायब हो जाते हैं। पहचाना ना? इसी जगह पर तेरे आदमियों ने आदि जी का खून किया था। खून? हमारे आदमियों ने? कदे हैं साले, पागल हैं, कर दिया होगा। तुम ही बताओ क्या करें। मैं बताऊं? भगवान का नाम ले ले लाला, तेरा टाइम आ गया। बहुत जोश है। सब तो है। तुम्हें लाला की ताकत का अंदाजा नहीं है बचवा। है, तेरी ताकत का अंदाजा है लाला।
सारे लॉयर, बड़े बड़े लीडर, पुलिस वाले, वकील तुझे छुड़ाने के चक्कर में होंगे, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाएगा। मैं तुझे यही मार दूंगा और कल के अखबार में यह छप जाएगा कि लाला रंजन का एक्सीडेंट हो गया। ये तो कानून के खिलाफ है। लाला कानून के खिलाफ कौन जा रहा है? ये क्या कर रहे हो? कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि मैं? है ना लाला, है। ये है लॉ। और ये है ऑर्डर। लॉ सिखाने चला है तो? क्या कर रहे हो? पगलिया गए हो क्या? कहा हो क्या है तुमको? भगवान का नाम ले ले। दिमाग खराब हो सॉरी सर, ये लड़के जवानी में अपना होश खो बैठते हैं। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ट्रांसफर। हम बहुत बदकिस्मत इंसान हैं, बहुत ही बदकिस्मत कि हमारा कोई बेटा नहीं है। काश कि जय जैसा हमारा भी बेटा होता तो हम इस शहर पर राज करते, बादशाह होते इस मुल्क के। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जय हमारा बेटा नहीं है। और दूसरी बदकिस्मती ये, वो हमारे ही हाथों मारा जाएगा। बड़ा बहादुर हो गया है तू, बहुत समझदार समझता है अपने आप को। अरे 9 महीने मैंने तुझे पेट में रखा है, अभी तक तेरे बचपन के गंदे कपड़ों की बू नहीं गई मेरी उंगलियों से, और तू अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? किसने तेरे कान भरे? आला खा तू परेशान हो रही है माँ, कुछ नहीं हुआ तेरे बेटे को, क्या हुआ? नहीं बेटा, तू मेरा दुख नहीं समझ सकता। मैंने तुझे कैसे पाला है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो मेरे को एक बात बता माँ, जब मैं तेरे पेट में था, पैदा होने वाला था, तो तू कैसा बेटा चाहती थी? तेरे पिता जैसा बहादुर और खूबसूरत, बिल्कुल तेरे जैसा। वो तो मिल गया, और क्या चाहती है तू? देख, ये न्याय अन्याय की जंग में अगर मैं जीत गया तो हमारे खानदान का नाम होगा, और अगर मैं लड़ते लड़ते मर गया, शहीद हो गया, तो भी रोशन। क्या क्या बकवास कर रहा है? मरूं कि एक थप्पड़, कुछ भी बोल देता है। एक शहीद की विधवा हूँ क्या, इतना ही काफी नहीं है मेरे लिए? और तू इसे कुछ बोलती क्यों नहीं, कुछ समझाती क्यों नहीं? मैं बोलती हूँ माँ जी, लेकिन ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते। मैं क्या करूँ? प्लीज माँ, प्लीज माँ, तूने कभी किसी की परवाह नहीं की। माँ क्या बोल रही तू, मैंने कभी तेरी बात को टाला है? टाला है, टाला है, रो क्यों रहे हो तू? एक साल हो गया तुझे कहते हो हाजी अली की तरह फिर चादर चढ़ानी, सुना तूने? आखिर मैंने कहना ही बंद कर दिया, कसम है तुझे फिर कहूँ तो। प्लीज माँ, प्लीज माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ कुछ नहीं। चल माँ चल। माँ
नूर का जिस्म है कोई ना हवा की सूरत, फिर नजर आए तुम्हें कैसे खुदा की सूरत। सूरज तेरे जलवों की, सूरज तेरे जलवों की परछाई से शर्माए, सूरज तेरे जलवों की परछाई से शर्माए, सूरज तेरे जलवों की, सूरज तेरे जलवों की परछाई से शर्माए। तू कर दे इनायत तो, तू कर दे इनायत तो तकदीर बदल जाए, तू कर दे इनायत तो तकदीर बदल जाए। क्या समझते हो अपने आपको, क्या समझते हो? तुम समझते हो कि एसीबी बनके तुम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, रास्ते पर ले आकर किसी को भी मार सकते हो? तुम एसीबी बन गए या खुदा बन गए? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस कर सकता हूँ। मेरा कसूर क्या है सर? तुम नहीं जानते तुम्हारा कसूर क्या है। तुमने जानबूझकर लाला को मारने की कोशिश की है। लाला झूठ बोल रहा है सर। वो क्यों झूठ बोलेगा? मैं भी ये सोच रहा हूँ सर, लाला झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम अपने आप को बड़े चालाक समझते हो, लेकिन जय ये मत भूलो कि मैंने इतने साल पुलिस फोर्स में कोई छक नहीं मारी। सर आप खामखा नाराज हो रहे हैं सर। मैं उसे जीप में बिठाकर आप ही के पास ले आ रहा था कि जीप का टायर स्किड हो गया सर और एक्सीडेंट हो गया, मुझे भी लगा सर। देखिए ना सर, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जय मैं तुमसे बड़ा हूं, जय लेकिन ऐसा काम नहीं करते। तुम्हें मालूम नहीं कि कल मुझे होम मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। ऐसी हरकतों से अपने डिपार्टमेंट को दाग लगता है। जय तुम्हारी लाला रंजन से कोई पुरानी दुश्मनी है तो मुझे बताओ, हम अपने डिपार्टमेंट से उसका अरेस्ट वारंट निकलवा कर उसको अरेस्ट कर लेंगे, लटका देंगे साले को। देखो जय, जय मैं तुम्हारे बाप की तरह, कम से कम मुझे तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर हैं, इसलिए सच्ची सच्ची बात बता ही देता हूं। बात ऐसी है सर कि लाला के आदमियों ने आदेश वर्मा जी का कत्ल मेरी आंखों के सामने किया। कुछ नहीं, उल्टा मुझे पकड़ के ले गए, मुझे मारे, मुझे भी आप तो जानते हैं सर। फिर उनके घर पे कब्जा किया, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट का चिरे गए, कुछ नहीं हुआ। आपके पास भी आया सर, आप सर मैंने उसी दिन सोच लिया सर कि मैं लाला को मार डालूंगा। अरेस्ट किया, जीप में डाला, उसी एरिया में ले गया। फिर मैंने निकाला अपना डंडा, दो फटके मारे जीप पे, दो फटके उसके खोपड़ी पे मारने वाला था सर के अपने ही आ गए। सामने से आ रहा था ट्रक, मैं उसी में घुस गया, मगर वो तो ट्रक वाला साला डर गया। वरना उसका फुरन वायरल कब का हो गया था सर, एक्सीडेंट हो गया था उसका। लेकिन तुम मर्डर को एक्सीडेंट में कैसे बदलते? सो सिंपल सर, जैसे आदेशी का हुआ था। स्मार्ट बॉय, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिले ताकि मैं तुम्हें डिसमिस करूं। बात ऐसी है सर, तुम्हारी स्टेटमेंट कि लाला के आदमियों ने आदेश वर्मा जी का कत्ल मेरी आंखों के सामने किया, कुछ नहीं, उल्टा मुझे पकड़ के ले गए, मुझे मारे, मुझे पीटे। I'm sorry sir. फिर उनके घर पे कब्जा किया, कुछ नहीं हुआ। Sorry sir. कोर्ट का चिरे गए, कुछ नहीं। I'm really sorry sir. आपके पास भी आया सर, आप सर। Sir I'm really sorry sir. I'm sorry sir. मैंने वो माइक्रोफोन गलती से निकाल दिया सर। I'm sorry sir. I will dismiss you. Yes sir. इससे पहले मैं लाला को तो मार डालूंगा सर। Ram pam pam, da ram pam pam, da ram pam, pam pam pam, pam pam pam.
Ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam, ram pam, ram pam pam. Jay. Jay. मुझे तुमसे कुछ कहना है. कहो कहो कहो. तेरा जी मतला रहा है. जी मतला रहा? क्या हुआ? What's happened, baby? हाँ? मुझे उल्टी सी हो रही है. तो डॉक्टर पुरी को फोन कर. सीमा जानू मैं मानू मैं बेटा या बेटी.
बेटी होगी, बेटा होगा, लड़की होगी, लड़का होगा, कैसे जानू मैं मानू मैं बेटा या बेटी, कैसे जानू मैं मानू मैं बेटा या बेटी। ला 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 ला। तमन्ना है लड़का मुझे चाहिए, लड़का ही होगा शर्त लगाइए। देखना खिलेगी चंदा की चांदनी, छेड़ेगी आकर सरगम की रागिनी। अच्छा बाबा मान गए अब तो खुश हो जाओ। ला 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 होगी बेटा होगा, लड़की होगी लड़का होगा, रब पापा रब पापा रब पापा रब पापा। लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला सर। बच्चा? कौन सा बच्चा?
सर मेरा बच्चा। कौन सा बच्चा? सर सर माँ के पेट, माँ के पेट में सर। ले जाओ इन्हें। जो खुशी तूने खोई है वो खुशी मैंने भी तो खोई है। तुम जिस बच्चे की मां बनने वाली थी उसका मैं भी तो बाप था। तुम बाप नहीं हो जाए, तुम पति भी नहीं हो, तुम केवल एक पुलिस अफसर हो। ऐसा नहीं है सीमा। ऐसा ही है जय। आज तुम्हारी नौकरी ने तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन ली और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कल अगर किसी गुंडे ने मुझे गोली मार दी तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे पत्थर दे समझती हो सीमा? दुख तो मुझे भी है, तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रो सकती हो, मैं रो नहीं सकता। मुझे गर्व है जय कि मेरा पति बहादुर है, इतना बहादुर कि औलाद के खो जाने के बाद भी रो भी नहीं सकता। तो मुझे गलत समझ रही हो सीमा। तो फिर सही क्या है, तुम्हें बता दो। मैंने कितनी बार कहा है यहाँ से ट्रांसफर करवा लो, लेकिन हर बार तुमने मेरी बात टाल दी। लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम ये शहर छोड़ दो। पागलपन की बातें मत करो सीमा, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम्हारे हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी हर बात का जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ना तुम ये घर छोड़कर जाओगी और ना ही मैं शायद छोड़कर जाऊंगा। तुम इसी घर में रहोगी, इसी घर में, समझी? सॉरी,
I'm sorry. I'm really sorry. Sima. Maaf kar do. Sima, ye baat nahi hai ki main tumse pyar nahi karta. Main tumse bahut pyar karta hoon. इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता। कभी ऐसा ना हो कि उस बात का तुम्हें दुख पहुंचे। तुम्हारा परेशान रहना, चुप रहना मुझे ज्यादा दुख देता है। आदेश, आदेश जी, तुम्हारे पिता मेरे गुरु भी थे। वो एक्सीडेंट में नहीं मारे गए, उन्हें लाला रंजन के आदमियों ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। He was murdered. फूलों को जब भी इस तरह मसला करेंगे लोग, खुशबू की बूंद बूंद को तरसा करेंगे लोग, आंसू निकल आए तो उन्हें खुद ही पहुंचिए, आएंगे पूछने भी तो सौदा करेंगे लोग। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा करो मुझ पर। समय तुझे उड़ा दूंगा, मैं दस गिनता हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। Thank you.
एस जय सिंह, एसीपी इंचार्ज वार्ड नंबर 2, आपको इतला दी जाती है कि आपका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। अपनी नई पोस्टिंग के लिए अपने हेडक्वार्टर से संपर्क करें। साहब कहाँ हैं? साहब लंच के लिए गए हैं ताज में। मुझे आपसे बात करनी है सर। दफ्तर में बात करना। सर, आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया। सर, अगर आपने मेरा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। देखो, हम यहां खाना खाने आए, और मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरा नाम जय सिंह है। मैं एसीपी ब्रांच 2, एंड यू आर माय बॉस। मैं कुछ नहीं जानता। दफ्तर का काम दफ्तर में, समझे? जेंटलमैन, ये टेबल हमारा है। साइन द पेपर। साइन। सुना नहीं? ये टेबल हमारा है। ए मिस्टर ऑफिसर, बिहेव योरसेल्फ। मैं भी मारूंगा, साथ में तुम्हें भी मारूंगा अगर तुमने इस पर साइन नहीं किया। और लिखो, साला को गोली मैं कभी भी मार सकता। साइन इट। डर गए, डर गए मेरे बहादुर आए दिन, डर गए। जान बहुत प्यारी है। आपसे कुछ नहीं होगा। अरे मुन्ना, अपने दो चार फालतू से बकरे इधर ले आओ और छोड़ दे उस ससुरे के पीछे। चलो मारता लग जाती तो बे, हाँ लग जाती तो, लगती तो मुझे माफ कर दे, हाँ लगती तो बे, छोड़ दे, अरे मुझे छोड़, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ दे, अबे पीछे देख, मत चले मुझे, मत चले, आओ, ओप, क्यों बे, लाला ने भेजा था ना, मेरे को मारने, कौन भेजा था वो? मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अच्छा, किसने भेजा तेरे को? हाँ, किस लिए? आपको मारने के लिए। बोलेगा कोर्ट में? आप जो बोले वो बोलूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पक्का? छोड़ दो, छोड़ दो तेरे, छोड़ दो मुझे प्लीज, पक्का? पक्का, पक्का।
आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको हॉस्पिटल में बुलाया। क्या माँ जी? माँ जी क्या बात? चेक एक्सीडेंट हो गया है। क्या? दरवाजा खुला है, मैं बंद करके आती हूँ। सीमा, सीमा कब निकले? जी उनको तो निकले हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। सीमा क्या कर रही हो, जल्दी करो। सीमा माँ जी वो पैसे नहीं मिल रहे। पैसे? पैसे किस लिए चाहिए तुझे? वो दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो दवाई किसके लिए दवाई चाहिए? वहाँ मिल जाएगा सब। अब चलो भी। माँ जी खाना, माँ जी जरा आइए। माँ, हे माँ, पता नहीं सर। इन लोगों क्यों पकड़े? इन्होंने आपकी माँ पे गोली चलाई थी सर। छोड़ो इनको, चलो सर, छोड़ो छोड़ो। चलिए बाबा 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 लाला कहें लाला गोदाम में। चलो चलो पड़ो पड़ो। उसने हमारे 4 आदमियों को गोली मार दी, वो यहीं आ रहा है। दुश्मनी किससे करेगा? लाला तो बर्बाद हो जाएगा। लाला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मगर ये लाला तुम्हें जरूर छोड़ देगा। ये हमारे आदमी, ये उल्लू के पट्टे तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। लाला बहुत साफ आदमी है, जुबान का पक्का। हम तुम्हें सबके सामने पूछते हैं, जो तुम चाहोगे वही हम करेंगे। ठीक बताओ, हम कौन सी टांग पहले तुम्हारी काटें, बाईं के दाईं? जो तुम चाहोगे पहले वही काटेंगे। बस आजा लाला,
बस आ जा। पागल हो गया है, पकड़ो इसकी टांगे। मुझे नहीं पता। थोड़ी सी गोली लगी है, गर्दन थोड़ी कटी। हाँ हाँ सॉरी, जो पुलिस की गाड़ी है उसे उड़ा डालो। क्या उल्लू के पत्थर देखता रहे हो? Thank you.
लूगा पट्टा, जब तेरी गोलियां और बम कुछ काम नहीं आए तो ये छड़ी से क्या उखाड़ लेगा तू? डर गया लाला? जान बड़ी प्यारी चीज है ना, पुलिस वाले बुरे नहीं होते, उनकी दुश्मनी बड़ी होती है। पुलिस वाले पे डंडा उठा, पुलिस वाले पे डंडा उठा, पुलिस 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 को बुला, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं पुलिस वाला। लाला रंजन, बोल ले तो और मारूंगा। बोल लाला रंजन, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक कानून की इज्जत करूंगा। अपनी आखिरी सांस तक कानून की इज्जत करेंगे, पुलिस की वर्दी की इज्जत करूंगा, पुलिस की वर्दी की इज्जत करेंगे, अपने किए हुए गुनाहों को कबूल करता हूँ, कबूल करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें जो सजा देंगे हम कबूल है। अरे नहीं बबुआ, अरे क्या कर रहा हूँ बबुआ? कुछ नहीं लाला, डायनामाइट लगा रहा हूँ। सर, सर ऊपर बच जाइए, सर सर ऊपर खतरा है सर। आपने मेरी बात ही नहीं मानी सर, मैंने आपको बोला था सर ऊपर मत जाओ, फिर भी आप गए। जय। हाँ बोल, क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बोल ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे जानू मैं मानू मैं बेटा बेटी, कैसे जानू मैं मानू मैं बेटा बेटी। आज बेटी तो लक्ष्मी है, होती है धन की बेटी, ओहो बेटी तो लक्ष्मी है, होती है धन की बेटी। कैसे जानू मैं